नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आपको बोटा MU5501। आगे वीडियो में इसके इंजन, गियर बॉक्स, PTO, एक्सल, पावर फिगर, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। कुबोटा MU5501 में हमें सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पर दिए हुए लीवर की मदद से बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं और यहाँ कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। और इसको ओपन किए होने के लिए सिंगल गैस रॉड लगाकर दिया हुआ है। और ये ऊपर से आप इसके पूरे अरेंजमेंट को देख सकते हैं, इसमें सभी चीज़ों को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है। और यहाँ पर डुअल क्लच का स्टिकर और शटल शिफ्ट, ऑयल इमर्ज्ड, वेट डिस्क, पावर स्टीयरिंग, ये सभी का स्टिकर मिल जाएगा। ये सभी का मतलब हम आपको आगे वीडियो में बताते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें 2434 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। उसके साथ ही इसमें बूस्ट कंप्रेसर देखने को भी मिल जाता है, जिसके वजह से ट्रैक्टर RPM ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करता है। और इसका जो इनलाइन फ्यूल पंप है, इसकी खास बात यह है कि यह इनलाइन होने के बाद भी यह बिल्कुल कारों की तरह चाबी से बंद होता है, जो कि पॉसिबल हो पाया है इसमें जो सोलेनाइड दिया हुआ है उसकी वजह से। तो काफी एडवांस इसमें इनलाइन फ्यूल पंप दिया हुआ है, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। सभी की ट्रैक्टर कंपनी को कुबोटा की तरह ही इस प्रकार का इनलाइन पंप देना चाहिए। और 4 सिलेंडर होने की वजह से इसका जो इंजन है काफी बैलेंस कंडीशन में चलता है। इसके अलावा इसके वाइब्रेशन को और भी अधिक कंट्रोल करने के लिए इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगा हुआ है। यह कुछ इस तरह से काम करता है। मान लो आपका क्रैंकशाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो बैलेंसर शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के इंजन को काफी हद तक बैलेंस कर देता है। और यही सब रीजन है कि इसका जो इंजन है काफी बैलेंस कंडीशन में चलते हैं और इसमें वाइब्रेशन न के बराबर देने को मिल जाता है। और कुबोटा को मानना पड़ेगा कि यह वाइब्रेशन कंट्रोल के मामले में एक माइलस्टोन सेट कर चुका है। और यहाँ पर ECDIS का बैचिंग देखने को मिल जाता है, इसका मतलब इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है। इस ट्रैक्टर में जो सिलेंडर है उसके बिल्कुल बीचों बीच इंजेक्टर को लगाया हुआ है, जिसकी वजह से डीजल पूरी तरह से जल जाते हैं। और इसमें 4 वाल्व दिया हुआ है, इसका मतलब हर सिलेंडर में आपको 4 वाल्व देने को मिल जाएगा, 2 इनलेट और 2 आउटलेट, जिसकी वजह से इसमें एयर इनटेक काफी अच्छे तरीके से हो पाता है। और लेफ्ट साइड में आपको टर्बो चार्जर देखने को मिल जाएगा। और इसको लुब्रिकेट करने के लिए इंजन ऑयल का ही यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो टर्बो चार्जर है इसका लाइफ भी काफी अधिक बढ़ जाता है। और ये सब पाइपलाइन को देख पा रहे होंगे, एयर फिल्टर से गया हुआ है। इसके अलावा इसमें EGR देखने को भी मिल जाएगा, जिसका मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन होता है, जो कि एग्जॉस्ट से निकलने वाले गैस का रीयूज करके वापस से इंटेक मैनिफोल्ड में डाल देता है, जिसकी वजह से माइलेज थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। और इसमें बाईपास सिस्टम के साथ में इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा होते हैं। तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि कुबोटा अपने ट्रैक्टरों को काफी एडवांस डिजाइन करता है, खासकर उसके इंजन को। और यही रीजन है कि इसके जो इंजन होते हैं काफी इफिशियंट होते हैं, या अपने कैटेगरी में सबसे कम फ्यूल कंजप्शन करते हैं, उसके साथ ही या वाइब्रेशन भी न के बराबर करते हैं। तो ये सब फायदे होते हैं कुबोटा ट्रैक्टर के। 5 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाएगा। इसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, और इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ कूलेंट कूलिंग देखने को मिल जाएगा। और इसमें कुछ इस तरह से रेडिएटर दिया हुआ है, और इसके रेडिएटर में आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए नेट लगाकर भी मिल जाता है, जिससे भूसे और जो कचड़े वगैरह डायरेक्ट रेडिएटर तक नहीं पहुँचते हैं, जिससे यह चोक नहीं होते हैं। और ये रहा इसका रेडिएटर फैन, जो कि प्लास्टिक का कुछ तरह से दिया हुआ है। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यहाँ ट्रैक्टर 55 HP का पावर 2300 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 194 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें 65 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक दिया हुआ है, जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर और 1 वाटर सेपरेटर के साथ में। और फाइबर का डीजल टैंक देने से यहाँ फायदा होता है कि इसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल है काफी कम बनते हैं। इसके बाद भी इसमें वाटर सेपरेटर भी मिल जाएगा, इसका मतलब इसके पंप में डीजल के साथ पानी जाने का समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ये जो पंप होते हैं डीजल के साथ पानी जाने से ही जल्दी खराब होते हैं, और इसमें अगर पानी जाएगा नहीं तो ये जो पंप है इसका लाइफ और भी अधिक बढ़ जाता है। बात करें इसके एक्सल का, तो इसमें एडजस्टेबल टाइप हैवी फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, और यहाँ से आप इसके स्पिंडल वगैरह को देख सकते हैं। और इसमें ग्रीसिंग पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें जो रिम है इसका थिकनेस काफी अधिक मिल जाता है। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है, जो कि ऑपरेट करने में काफी स्मूथ होते हैं, और इसे बिल्कुल ही प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पर फिट किया हुआ है। और ये सब फिट एंड फिनिश को देख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से इसे किया गया है। और कुबोटा फिट एंड फिनिश के मामले में भी काफी अधिक ध्यान रखता है, और इस प्रकार का स्टीयरिंग को आप सिंगल उंगली से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ कुछ इतना स्मूथ होता है। और यहाँ नीचे से आप इसके पूरे बनावट को देख सकते हैं, इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको लेबलिंग प्लेट देखने को मिल जाएगा, इसमें मॉडल नेम, मैक्सिमम PTO पावर 36.5 kW का बताया हुआ है, और यहाँ से इसके SFC को भी देख सकते हैं, जो कि 249 g/kWh मिल जाता है। यहाँ फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से बम्पर लगाकर दिया जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग के लिए पंप को देख सकते हैं, और ये हाइड्रोलिक का आया हुआ
पाइपलाइन। और यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाएगा जो कि मेटल के प्रोटेक्शन के साथ में दिया हुआ है। और इस साइड से आप पूरे इसके डिजाइन को देख सकते हैं। बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी का, तो इसके इंजन में 7.6 लीटर का ऑयल और इसके ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक, स्टेयरिंग, इन सभी चीजों के लिए 43 लीटर का ऑयल यूज करना पड़ता है। और इसके इंजन ऑयल को पहले 50 घंटे के बाद चेंज करना होता है, उसके बाद प्रत्येक 250 घंटे के बाद चेंज करना होगा। और इसका जो गियर बॉक्स ऑयल है उसे प्रत्येक 1000 घंटे के बाद में चेंज करना होता है। और ट्रैक्टर के रियर लुक को देख सकते हैं, इसमें प्लाउ लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इस कुछ इस प्रकार से रियर लाइट दिया हुआ है। और यहाँ पर वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड देखने को मिल जाएगा और ये टूल बॉक्स अलग से दिया हुआ है। नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगा, यहाँ पर लाइट मिल जाता है, ये रहा रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर इसके फेंडर गैप को देख पा रहे होंगे और इसके फेंडर को कुछ इस तरह से फिट किया हुआ है और इसमें कुछ इस प्रकार से बीम लगाए हुए हैं इसके फेंडर को सपोर्ट करने के लिए। इसमें 7 पिन सॉकेट देखने को मिल जाता है। बात करें इसके पीटो का, तो इसमें 36.5 किलोवाट का 6 स्पैन पीटो देखने को मिल जाता है जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और 750 आरपीएम के साथ में। इसको आप इस लीवर की मदद से 540 स्टैंडर्ड या 750 में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स पीटो का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप उस वेरियंट को भी परचेस कर सकते हैं। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें 2100 केजी की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। लोअर लिंक के डिजाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे डिजाइन किया हुआ है। और इस साइड के आर्म को एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट मिल जाता है। और इसमें चैन टाइप का स्टेबलाइजर दिया हुआ है और कुछ इस तरह से इसे फिट किया गया है। इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके टॉप लिंक को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसको टो करने के लिए कुछ इस तरह से पॉइंट मिल जाते हैं। और इसमें मिंडा कंपनी के सेंसिंग लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। और सॉफ्ट मिट्टी महल को चलाने के लिए टॉप लिंक को नीचे वाले में फिट करें, उससे हार्ड मिट्टी के लिए बीच वाले में, और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए टॉप लिंक को ऊपर वाले में लगाना चाहिए। और इंप्लीमेंट को रोड में लाते लाते समय भी टॉप लिंक को हमेशा ऊपर वाले में लगाएं, इससे जो सेंसर इसकी सेंसिटिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है। बात करें इसके एक्सल का, तो इसमें आधुनिक जमाने का एपिसाइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी साथ में आने वाला रियर एक्सल दिया हुआ है जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट रियर एक्सल माना जाता है। और इसमें ग्रीसिंग पॉइंट को मिल जाएगा। और इस प्रकार का एक्सल देने से यह फायदा होता है कि आप ट्रैक्टर के पावर का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी टूट फूट के टेंशन के। और ये सब पडलिंग करते समय और हार्वेस्टर वगैरह चलाने के लिए भी काफी सही एक्सल होता है। हिचिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मल्टीपल होल्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से इसके हाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। बात करें इसके टायर साइज का, तो इसमें 16x28 के रियर टायर दिए हुए हैं और यहाँ पर आप इसके फेंडर को देख सकते हैं। और इसमें कुछ इस प्रकार से यूनिक डिजाइन के साथ में रिम देखने को मिल जाता है और ये रीजन है कि इसमें आपको फेंडर गैप अधिक देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट टायर की बात करें तो 650/20 के इसमें बड़े फ्रंट टायर देखने को मिल जाएंगे और इसका रिम कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है और इसमें कुछ इस प्रकार से बोल्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें सभी टायर MRF के दिए हुए हैं और राइट साइड से आप ट्रैक्टर के फुल लुक को देख सकते हैं। इसका जो बैटरी सामने में दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको फ्यूज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा राइट साइड में भी आपको फ्यूज बॉक्स देखने को मिल जाता है और इसमें कौन सा फ्यूज किसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिखकर बताया गया ताकि आप जरूरत पड़ने पर खुद से भी इसका रिप्लेसमेंट कर सकें। और लेफ्ट साइड में 2.2 किलोवाट का स्टार्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर 40 एम्पीयर का अल्टरनेटर लगा हुआ है। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टे देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से इसमें आप बड़े आसानी से चढ़ और उतर पाएंगे। और यहाँ से आप इसके पूरे डैशबोर्ड सहित फुल प्लेटफॉर्म और फेंडर के लुक को देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रकार से स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। यहाँ पर RPM मीटर, एनालॉग प्रकार में आवर मीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर मीटर, ऑयल प्रेशर, बैटरी और इधर ओवरहीट, इन सभी चीजों का इंडिकेशन इसमें मिल जाता है। फिर हैंड थ्रॉटल लीवर, हॉर्न के लिए बटन और इसमें कुछ इस प्रकार से की देखने को मिल जाता है और इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन टाइप में स्विच दिया हुआ है, इससे आप सभी प्रकार के लाइट्स को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं और ये हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। और इसमें कुछ इस प्रकार से फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है जो कि काफी आरामदायक है। और इसमें आपको हीट से बचाने के लिए रबर का लेयर लगाकर भी दिया गया है। और इसमें सस्पेंडेड टाइप के क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके क्लच का, तो इसमें आपको डबल क्लच देखने को मिल जाता है। इसका मतलब इस क्लच से आप केवल ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेंगे और इसके पीटीओ के लिए अलग से इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर दिया हुआ है। और इसमें 5 पिन के साथ में क्लच प्लेट देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल क्लच से 25% अधिक चलते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा क्लच प्लेट दिया हुआ है। और कुबोटा के ब्रेक्स हमेशा से जाने जाते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी मल्टीपल ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और इसमें 10 ब्रेक प्लेट देखने को मिल जाता है जिस वजह से इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाता है। और ये रहा इसका एक्सीलेटर पैडल, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ से आप राइट साइड के फेंडर को देख सकते हैं जो कि बड़े साइज में दिया हुआ है और इसमें कुछ इस प्रकार से पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल दोनों लीवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको अलग से पॉइंट्स भी बताया हुआ है जिसकी मदद से इसको आप अपने हिसाब से पॉइंट में सेट कर सकते हैं और यह ऑपरेट करने में काफ़ी स्मूथ दिया हुआ है।
और नीचे साइड में आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल जाएगा। इसकी मदद से आप ट्रैक्टर के फंसे हुए कंडीशन में इसके दोनों व्हील को लॉक करके एक साथ रोटेट करके ट्रैक्टर के निकलने में सहायता कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में हमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर देखने को मिल जाता है। इसको आगे की ओर करके आप इसके पीटीओ को ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रेंज लीवर मिल जाएगा। बात करें इसके गियर बॉक्स को तो इसमें 1, 2, 3, 4 और हाई लो रिवर्स के साथ में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिल जाता है। और रिवर्स गियर को रेंज लीवर में देने से यह फायदा होता है कि यह शटल शिफ्ट लीवर के रूप में भी काम करता है। इसका मतलब आप जितने गियर में भी ट्रैक्टर को रखे होंगे एक ही लीवर की मदद से उसी गियर में ही रिवर्स गियर भी लगा सकते हैं। और इसमें सिंक्रोमेस टाइप के गियर बॉक्स यूज किए हुए हैं जो कि ऑपरेट करने में काफी स्मूथ होते हैं। इसको आप टॉप गियर से लो गियर में भी बड़े आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी आवाज के। तो इसमें लेटेस्ट गियर बॉक्स यूज किया हुआ है। सीट में बैठने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। सही इसका आवाज और ये स्टीयरिंग रिस्पॉन्स को देख सकते हैं काफी स्मूथ है। और यह चाबी से ही बंद होता है। इसमें कुछ इस प्रकार से सीट देखने को मिल जाता है और इसकी मदद से इसे आगे पीछे भी कर पाएंगे। और यहाँ पर नॉब दिया हुआ है। इस नॉब की मदद से इसके सेंसिंग को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके लोअर आर्म के ड्रॉप रेट को कम ज़्यादा भी कर पाएंगे और इससे आप ट्रांसपोर्ट लॉक भी कर सकते हैं। आप इस HP कैटेगरी में जितने भी ट्रैक्टर के नाम जानते हो जिसमें सिंक्रोमस टाइप के गियर बॉक्स मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस ट्रैक्टर का नाम जरूर बताएं। और आप में से किन्हीं किसान भाइयों के पास यह ट्रैक्टर पहले से है तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आपने न्यू परचेज करने का सोचा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इतना कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर देखने को मिल जाता है आपको कुबोटा MU5501 में जो इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।